गांधीनगर से विधायक अनिल बाजपेयी ने पेशाब घरों को लेकर एमसीडी के अधिकारियों पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। मंगलवार की दोपहर विधायक अनिल बाजपेयी ने मीडिया को बताया कि ईस्ट आजाद नगर में एक काफी साल पुराना एक पेशाब घर था जो कि खराब पड़ा था, उसको बनाना था, मगर अब उसकी साइट चेंज कर रहे हैं एमसीडी के अधिकारी। कहा कि इस आजाद नगर में वो पेशाब घर है और उसकी अब लोकेशन शांति मोहल्ला में कर रहे हैं, और कहा कि ये हमने होने नहीं देंगे, और कहा कि अगर ऐसा होता है तो बड़ा आंदोलन होगा और इसकी कंप्लेंट हम उपराज्यपाल को देंगे जांच के लिए। सुने आप। ईस्ट आजाद नगर में एक टॉयलेट बना हुआ था और उस टॉयलेट को जब तोड़ा गया तो मुझे वहाँ पर मौके पर वहाँ के स्थानीय RW स्थानीय लोगों ने वहाँ पर बुलाया। 40 साल पहले से वो टॉयलेट बना हुआ था। मैंने AE हरवीर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नानक चंद को टेलीफोन किया और हरवीर को मौके पर बुलाया। हरवीर जी को उन्होंने कहा कि इसका रिनोवेशन हम करा रहे हैं और जैसे ही एक हफ्ते के अंदर हम इसको यहाँ पर टॉयलेट बढ़िया बना देंगे जिसमें पानी की टंकी वगैरह भी लगी होगी। हमने ये बात मान ली। उसके बाद तुरंत लॉकडाउन लग गया। ये मार्च के महीने की बात है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। उसके बाद लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ तो मैंने उनको फिर टेलीफोन किया और मैंने उनको बुलाया। मैंने कहा ये टॉयलेट आप क्यों नहीं चालू कर रहे हैं? तो बोले इस टॉयलेट में ऐसा है कि रामवीर नाम का सैनिटरी इंस्पेक्टर है, बोले उसने रिपोर्ट बना दी है और इसकी साइट चेंज करनी है। तो मैंने कहा कि भाई आप साइट कैसे चेंज कर रहे हैं? और हमने कहाँ साइट चेंज कर रहे हैं आप? तो बोले इसकी साइट हम शांति मोहल्ले में चेंज कर रहे हैं। मतलब पेशाब घर ईस्ट आजाद नगर में है, साइट चेंज करके आप बना रहे हैं शांति मोहल्ले में। तो इसके अंदर MCD का सैनिटरी डिपार्टमेंट का अधिकारी, वो MCD का हरवीर सिंह AE और EE जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, ये जो है आपका नानक चंद, ये सारे लोगों की मिलीभगत है। वो जगह एक बिल्डर की है, उसका एक बड़ा विंकट हाल है और उसी की जगह है। वो वहाँ पर तोड़ के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है। ऐसे ही एक टॉयलेट कांतिनगर में भी पहले तोड़ा गया था। अभी आज से 6 महीने पहले एक इसी तरीके का टॉयलेट गांधीनगर में भगवान दास कोठी के पास था, उसको बाहर मेन रोड पे था, उसको लेके गली का 2 टॉयलेट से एक कर दिया गया। शंभुनाथ बिल्डिंग में एक टॉयलेट था, वहाँ टॉयलेट की जगह मार्केट की दुकानें बन गई जो लाखों रुपए में बेच दी। ये एक बहुत बड़ा गिरोह है जो ये काम करता है और मैंने DC से भी बात की है, जो डिप्टी कमिश्नर सादरा साउथ हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कमेटी बना के मैं इसकी जाँच करा रही हूँ, अगर वहाँ पर टॉयलेट नहीं बनाया गया तो बड़ा आंदोलन जनता के बीच में मैं लेकर जाऊँगा और मैं LG साहब से भी मिलूँगा और इसकी विस्तृत जांच कराऊँगा और जो भी MCD के कर्मचारी हैं उनको जेल भिजवाने की कोशिश करूँगा। ये मैं कहता हूँ।